आज मैं बताने वाला हूं स्कॉलरशिप के बारे में। बिहार स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप के थ्रू भरा जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन तीन स्टेप में मैं बताऊंगा। इसका रजिस्ट्रेशन पहले कैसे होता है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप बताऊंगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिहार स्कॉलरशिप बीसी पीबीसी का ही सिर्फ अभी चालू हुआ है, जिसका लास्ट डेट 5 मार्च अभी तक है, और जैसे इसका डेट बढ़ता है मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल 5 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या लगेगा, कैसे भराएगा, सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं इसके होम साइट पे जाएंगे, scholarship.gov.in, इस पे खोल दिए हैं। और इसका यहाँ से न्यू यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन 18-19 का फॉर्म फिलअप हो रहा है, और न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किए, तब तक मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। इनकम सर्टिफिकेट, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, और 1.5 लाख के अंदर का होना चाहिए, 1 साल का अंदर का होना चाहिए, और हो सके तो पिताजी के नाम से होना चाहिए सकते हैं, या स्टूडेंट के नाम। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, एक फोटो, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद कॉलेज का फी रिसिप्ट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, और प्रीवियस क्वालिफिकेशन मार्कशीट, मतलब पिछले कक्षा का मार्कशीट लगता है, मैट्रिक का रोल नंबर, पासिंग ईयर, और कौन बोर्ड से पास है वो नेसेसरी। जैसा कि मैंने बताया, रजिस्टर करने के बाद एक एप्लीकेशन आईडी क्रिएट होगा जो इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करने के बाद हो जाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू होने के बाद ये एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे मोबाइल के मैसेज में आपका एप्लीकेशन आईडी चला जाएगा, उसको नोट कर लें या लिख लें। फिर ये यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। जब पेज खुल चुका है, इस टाइप का पेज खुलेगा। यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बिहार का अभी शुरू है, तो सिर्फ बिहार सेलेक्ट करेंगे स्टेट में। स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक नहीं, पोस्ट मैट्रिक का भी, मैट्रिक से ऊपर का जो भी है उसका शुरू हुआ है। मैट्रिक से ऊपर जो भी क्लास है, एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो, कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे, जैसे मैं अपना ही नाम टाइप कर रहा हूँ। फिर स्कीम टाइप, स्कीम अभी स्कॉलरशिप स्कीम चल रहा है, तो स्कॉलरशिप स्कीम टाइप करेंगे। फिर मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप करूंगा, फिर जेंडर, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर बैंक का आईएफएससी कोड, फिर कंफर्म आईएफएससी कोड, फिर से वही आईएफएससी कोड टाइप करेंगे। फिर बैंक का अकाउंट नंबर, फिर दोबारा वही अकाउंट नंबर टाइप करेंगे इसमें।
बैंक का नाम ऑटोमेटिकली लेता है, अभी सर्वर स्लो होने के कारण बैंक का नाम नहीं ले रहा है। आधार नंबर टाइप करेंगे, फिर कैप्चा, सब पे टिक लगाएंगे। आधार नंबर वेरिफिकेशन, अकाउंट डिटेल्स और स्टूडेंट वाइड। पार्ट ए के सारे काम अब यहाँ पे ख़त्म होती है। अब रहा मेन बात अपलोड करना डॉक्यूमेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और यहाँ इसका वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के नीचे दे देंगे। थैंक यू एंड सो मच।